आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा सीटू के आह्वान पर प्रदेश की 20,000 से ज़्यादा आशा वर्कर्स की मांगों को लेकर के 73 दिन से वे हड़ताल पर थी। अधिकारियों के साथ कई दौर की मीटिंग भी हुई। आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बातचीत हुई और वार्ता में उनके साथ मुख्य प्रधान सचिव आर के कुलर तथा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा और कई निदेशक तथा राजनारायण कौशिक और आशा कोऑर्डिनेटर चांद सिंह मदान जैसे अधिकारी भी शामिल थे। यूनियन के प्रतिनिधित्व मंडल में कई अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय को 2,100 रुपये की बढ़ोतरी की है और अभी तक राज्य में आशा वर्कर्स को फिक्स मानदेय 4,000 रुपये मिलता था, जो कि बढ़ा करके 6,100 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार आशा वर्कर्स के रिटायरमेंट में लाभ के रूप में उसे 2,00,000 रुपये मिलेगा। प्रोत्साहन राशियों में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, उसे दिसंबर तक अप्रूव करने के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे। आज सिरसा में आशा वर्कर्स ने लड्डू बांटे और अपनी मांगों को पूरा होने पर खुशी जाहिर की। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। उस 3,000 की बढ़ोतरी के लिए 3 बार संघर्ष किया था। एक बार जनवरी में संघर्ष किया जो फरवरी में खत्म हुआ, फिर हमारे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, फिर नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए हमने जून में फिर से हड़ताल की और जून में जब हड़ताल की फिर से, फिर वो गलत नोटिफिकेशन ले आए, फिर वो नोटिफिकेशन पाड़ कर फेंकना पड़ा और दोबारा सही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जुलाई तक हमारी हड़ताल चली थी। आप सबको याद हो तो 3,000 की बढ़ोतरी के लिए पिछले बार हम 3 बार लड़े, अब की बार हमने 1 बार लड़के 3 बढ़ोतरी पक्की करी है। 1 बढ़ोतरी तो आपकी आ गई, इसका 1 नवंबर से तो ये लागू होगी और इसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आ लेगा। मिशन डायरेक्टर से मैंने अभी भी बात की है सुबह सुबह, उन्होंने कहा कि हम अपने डिपार्टमेंट में फाइल को 1 दिन भी नहीं रखेंगे। हमने आज फाइल तैयार कर दी, कल रात को बात हुई थी, मिशन डायरेक्टर ने फाइल तैयार करके रखी हुई है, आज वो फाइनेंस में चली जाएगी, अगले 4-5 दिन में अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक बात, दूसरी जो हमारे इंसेंटिव है उसमें बढ़ोतरी का प्रपोजल भेजा है, जितनी हमारी एक्टिविटी है टोटल एक्टिविटी पे, उसमें ग्रेज का भी पैसा है, उसमें फैसिलिटेटर्स के टूर का भी पैसा है, उसमें हमारे तमाम जो है उसमें जितनी हमारी बढ़ोतरी है वो सेंटर से वो बढ़ोतरी होगी और उस पर जो 50% होगा वो मौका नहीं मिलेगा आपकी बार, वो 50% में कटौती नहीं होगी। दूसरी बात हम ये निश्चित करके आ रहे हैं, आप बढ़ोतरी के पास 2 मिनट टाइम नहीं है उनकी बात सुनने का, ये धरना ना 3 महीने से लगातार चल रहा था। इस संघर्ष में मेरी आशा वर्कर यूनियन की बहनों के साथ मैं निरंतर चल रही थी और आज उनके संघर्ष की जीत हुई है, उनके विजय जो हुई है उसके उत्सव मनाने के लिए हम आशा बहने सभी इकट्ठी हुई हैं और जीत का उत्सव मना रही हैं। कहीं ना कहीं हमने सरकार को झुकाने का काम किया है, हमारे संघर्ष ने का खात्मा तो नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक बार इस संघर्ष को विराम दिया है। तो जो उम्मीदें और मांगे सरकार से थी मेरी आशा बहनों की, वो सभी पूरी तो नहीं की सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आशा बहनों की मुंह बंद करने का सरकार ने काम किया है। तो फिर भी हमने सरकार को झुका करके जो अपनी जीत प्राप्त की है उसके लिए सभी आशा यूनियन की बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।